बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपको स्वागत है। मैं विजेता, वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं और हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे थे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में हमने क्या क्या कर लिया है, हमने अफ्रीका कर लिया, ऑस्ट्रेलिया कर लिया, अब हम किस पे हैं, हम है नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका पे। और उत्तरी अमेरिका में हमने क्या बताया था, मैंने बता दिया था कि उत्तरी अमेरिका डिवाइडेशंस में है तीन, यानी कैनेडा है, यूएसए है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका के बीच में है। यानी कि इसमें क्या है, उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका के जो मेन पार्ट कौन सा है हमारा, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसमें हमने आपको, मैंने सारी सिटीज करा दी थी, यानी कि सिटी नहीं सॉरी, मैंने इसकी सारी स्टेट आपको बता दी थी, 50 स्टेट मैंने आपको बता दी थी पिछली वाली वीडियो में। और ये स्टेट क्यों जरूरी है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे मध्यवर्ती है, कॉरी रोड है, कॉडी लेरा है, हमारा तटीय क्षेत्र पड़ जाएगा, हमारी जितनी भी है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक पड़ेंगे। तो ये स्टेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत अच्छे से समझ के करना इन चीजों को। यानी कि देखो हमारा इसमें क्या है, यहाँ पे विस्कॉन्सिन में हमारा ओयो, मिनेसोटा, मिशिगन, इंडियाना, ये जो रीजन है ये झील के आसपास, यानी कि झील के सट के रीजन है, अगर कह सकते हैं कि ये हमारी झील है तो झील बिल्कुल सट के, यानी कि तट पे, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, इलिनियास, मिशिगन, इंडियाना, ये रीजन जो है, ये रीजन क्या है, एकदम सट के है। तो मैंने आपको इसलिए यहाँ के पहले स्टेट के बारे में बताया था, स्टेट के बारे में बता दिया था। और स्टेट मैंने, उम्मीद है मुझे कि मेरे स्टूडेंटों को जो स्टेट है वो याद हो गई होंगी, यानी उन्होंने मेरे साथ साथ कंप्लीट कर ली होंगी। और अब हम आगे चलते हैं इसके औद्योगिक प्रदेशों के बारे में, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपको। औद्योगिक प्रदेशों के बारे में क्या बताया था, न्यू इंग्लैंड रीजन, मिड अटलांटिक स्टेट, पीट्स वर्ग, लेक इरी रीजन है, लेक इरी हमारा यहाँ पड़ जाएगा, ग्रेट लेक रीजन, ये हमारा ग्रेट लेक रीजन यहाँ पड़ेगा, साउथर्न रीजन और तटीय रीजन, ये तटीय रीजन, ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उद्योगों का विकास हो रहा है, यानी कि यहाँ पे उद्योगों का विकास हुआ था। न्यू इंग्लैंड रीजन में उद्योगों का विकास क्यों हुआ था, न्यू इंग्लैंड रीजन में उद्योगों का विकास, यहाँ पे यूरोपियों का प्रवास हुआ था, यानी कि यूरोपियन यहाँ पे आके प्रवासित हुए थे। न्यू इंग्लैंड रीजन में पिछली वाली अगर वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें मैंने इसके जितनी इसमें सिटीज और स्टेट आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम कराने वाले हैं मिड अटलांटिक रीजन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिड अटलांटिक रीजन, कॉपी, पैन, एटलस सब साथ में लेके बैठना, क्योंकि साथ के साथ ये क्या है, कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। यूएसए का औद्योगिक प्रदेश, एक बार फिर से साथ के साथ करोगे तो बेनिफिट रहेगा, सारी चीजें टिप्स पे हो जाएंगी। जब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करेंगे तब तक वर्ल्ड के स्टेट, कैपिटल्स सब याद हो जाएंगे, झीलें, रिवर्स, स्टेयर्स सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ के साथ अपनी एड्रेस को भी निकाल के रखिए और नोट डाउन भी करिए, ठीक है। तो अब हमने न्यू इंग्लैंड रीजन पिछली वाली वीडियो में करा दिया था, अब मिड अटलांटिक स्टेट, ओके, लिखो फिर अच्छे से। विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास, ठीक है।
ये रीजन हो गए, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेल्फ यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि क्या है हमारा फिला फिलाडेल्फिया जो है ये स्टेट है, इसमें कंट्री है, इसमें तो मिड अटलांटिक रीजन में आती है। एड्रेस में मिलेगी आपको, एड्रेस में देखेगा तो फिलाडेल्फिया है। फिलाडेल्फिया में क्या रीजन है, तेल सोडा कारखाने। फिलाडेल्फिया में क्या है हमारे, तेल सोडा कारखाने है। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे फिलाडेल्फिया के बारे में, तेल सोडा कारखाने है। इसमें क्या पॉइंट हो गए, तेल सोडा कारखाने है। और सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इसे क्वार्टरी सिटी भी कहते हैं, यानी कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी है। रेल इंजनों का उद्योग, ठीक है। इसमें तीन पॉइंट्स है फिलाडेल्फिया में जो आपको नोट डाउन करने, आप नोट डाउन करो। रेल इंजन का उद्योग, सेकंड पॉइंट क्या बताया था, सेकंड पॉइंट है इसमें तेल सोडा कारखाने। बाल्टीमोर को हम लोग क्या, अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्या है हमारा, ये जलयान उद्योग का केंद्र अटलांटिक महासागर के तटीय, अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ये हमारा बाल्टीमोर हो गया। एलोनी हमारा किस में आता है, ये न्यूयॉर्क सिटीज में पड़ता है, यानी कि न्यूयॉर्क जो स्टेट है उसका एक न्यूयॉर्क राज्य में है, हडसन नदी पर है, कागज उद्योग के लिए फेमस है। नोट डाउन करिए, फिर से एक बार भाई, एलोनी जो है वो हमारा किसमें है, न्यूयॉर्क स्टेट में। एलोनी एक सिटी है, कागज उद्योगों के लिए फेमस है, हडसन नदी के तट पर है। ये दो पॉइंट्स है किसमें, एलोनी में।
क्या कर रहे थे, टोरे टोरे हडसन और मोहाक नदी के तट पर है। इसका बस इतना ही पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब हम इसके बाद में आते हैं न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी मोस्टली सब लोग न्यूयॉर्क सिटी के बारे में जानते ही होंगे, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है उसके बारे में? ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है भाई। हडसन नदी के तट पर है, लॉन्ग आइलैंड इसी का कोर सिटी है, यूएसए के अंदर सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। हडसन नदी पर ये हडसन रिवर, इसे क्वेश्चंस बन मतलब जो रिवर है यूएसए में उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये हडसन रिवर बार बार कह रही हूँ, तो इन सिटीज को साथ में साथ ध्यान रख के चलना कि न्यूयॉर्क हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, टोरे हो गया और हमारा उसके बाल्टीमोर हो गया, तो ये जो है वो न्यूयॉर्क, ये किसमें हडसन रिवर इनमें आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा तो आप क्लिक कर देंगे अगर पढ़ा होगा तो। हडसन रिवर पर स्थित फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसका क्या है, लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड इसी की पोर्ट सिटी है, थर्ड पॉइंट इसका हमारा क्या बनेगा भाई, न्यूयॉर्क है तो ऑब्वियसली सबसे अधिक आबादी वाला शहर है किसके अंदर, यूएस के अंदर, मोस्टली लोग न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, न्यूयॉर्क रहना चाहते हैं, यूएसए का घनी आबादी वाला, यूएसए का सबसे अधिक आबादी वाला, सबसे अधिक आबादी वाला सिटी ये हो गया। अच्छे से याद हो गया, साथ के साथ याद करते हुए चलिए। पहला पॉइंट क्या है, हडसन रिवर पर स्थित है, सेकंड पॉइंट क्या है, ये लॉन्ग आइलैंड जो एसी की पोर्ट सिटी है, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, यूएसए का सबसे घनी आबादी वाला सिटी है। घनी आबादी क्यों है बताओ मुझे, कमेंट्स करो। सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट भी यही है, सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह सिटी हो गया। अब पारंपरिक उद्योग, पारंपरिक उद्योग क्या है, पब्लिशिंग और किसका, पब्लिशिंग होती है तो किसके साथ होती है हमारी, एंड पब्लिशिंग क्या है इसका, न्यूज प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, पारंपरिक उद्योग इसका, पारंपरिक अगर उद्योग है तो क्या है, न्यूज प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। थर्ड पॉइंट एवं व्यापारिक शहर हो गया, यूएसए में सॉफ्टवेयर एंड हल्के उद्योग हो गए, बड़ा केंद्र है जिसके कारण इसे एप्पल सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, हल्के उद्योग एवं सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या हो गया, हमारा ये यूएसए का हल्के उद्योग एवं सॉफ्टवेयर और एप्पल सिटी भी बोलते हैं क्योंकि सेब के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र। एप्पल सिटी कितनी बात आ गई, फिर से एक बार रिपीट कर लो और बहुत अच्छे से समझो क्या है न्यूयॉर्क सिटी को, बहुत 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 अच्छे से समझो भाई। न्यूयॉर्क सिटी नॉर्मल सभी जाना चाहते हैं, हडसन रिवर पे किस पे है ये, हडसन रिवर पे है, सेकंड पॉइंट लॉन्ग आइलैंड इसी की पोर्ट सिटी है, यूएसए का सबसे अधिक आबादी वाला सिटी है, सबसे बड़ा बंदरगाह सिटी है, न्यू प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, हल्के उद्योग एंड सॉफ्टवेयर का विकास, सेब के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है तो इसे एप्पल सिटी भी बोलते हैं। कर लिया हमारा, हमने क्या कर लिया,
न्यू इंग्लैंड रीजन कर लिया, मिड अटलांटिक रीजन में हमने अभी तक अपनी सिटीज कर ली हैं, अब हम आएंगे पिट्सबर्ग लेक इरी रीजन। इसे इरेज कर दूं क्योंकि इरी रीजन है, इरेज कर रही हूं क्योंकि इरी रीजन है। अब हम कौन सा रीजन कर रहे हैं, हम किस में हैं, बार बार समझाना, हम यूएसए का क्या कर रहे हैं, औद्योगिक नगर कर रहे हैं, औद्योगिक नगर कर रहे हैं, तो औद्योगिक नगर में हमने न्यू इंग्लैंड रीजन कर लिया, मिड अटलांटिक रीजन कर लिया, पिट्सबर्ग लेक इरी रीजन अब हम करेंगे, क्या करेंगे, पिट्सबर्ग लेक इरी रीजन। क्या कर रहे हैं इसका, हम तटबंध कर रहे हैं पिट्सबर्ग लेक इरी रीजन, क्या कर रहे हैं हम लोग, पिट्सबर्ग लेक इरी रीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखिए इसे पिट्सबर्ग लेक इरी रीजन। बात करते हैं तो क्या आएगा, पिट्सबर्ग आएगा, पिट्सबर्ग को क्या कहेंगे, वर्ल्ड स्टील कैपिटल सिटी है ये, ठीक है, क्यों क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, मैंने आपको बताया कि बिटुमेंस कोयले के कारण लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, जो हम लोहा आइस की प्राप्ति सुपीरियर हाईलैंड से है, सुपीरियर झील के आसपास हमारा पिट्सबर्ग है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, यहां पे औद्योगिक क्षेत्र है हमारा इसका, और सेकंड कैपिटल सिटी, पिट्सबर्ग को वर्ल्ड स्टील कैपिटल सिटी बोलेंगे इसे हम लोग, ठीक है, यानी कि अगर इसका नाम से पिट्सबर्ग वर्ल्ड स्टील कैपिटल सिटी, तो इसके पॉइंट्स है ये तीन, आप इसे नोट डाउन कर लो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, उद्योगों का विकास है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं, उसमें से एक एक क्वेश्चन, यानी कि आपको 100% इसमें से आपको क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली और अच्छे से नोट्स बना के करिएगा साथ के साथ, और कमेंट्स करके बताते नहीं है आप कि कमेंट्स करके बताओ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगी, फिर आप बताते ही नहीं है। अब हम चले पिट्सबर्ग के बारे में, तीन पॉइंट लिखे अब तक, तो मेरे ख्याल से आपने लिख लिए होंगे, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। लोहा इस्पात उद्योगों का विकास हो गया हमारा ये, ठीक है, लोहा आइस की प्राप्ति कहां से होती है, सुपीरियर हाईलैंड से, ठीक है, अब हमारा क्या है, अब ये हो गया हमारा हाईलैंड से, अब पिट्सबर्ग क्या डालेंगे, पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग डालेंगे इसे हम, पिट्सबर्ग में बताना, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, सेकंड है लोहा इस्पात उद्योग, और क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड स्टील कैपिटल सिटी, वर्ल्ड स्टील कैपिटल सिटी, ठीक है, ये
ये हमारे किसके बारे में हो गए, ये हमारे फीड्स वर्क के बारे में हो गए, ये फीड्स वर्क लेक इरिगेशन के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। साथ के साथ अभी मैंने जो कराए साथ के साथ बच्चों को लर्न हो गए होंगे। देखते हैं फीड्स लेक इरिगेशन विटामिन स्पॉइल के कारण लोहा इस्पात उद्योगों का विकास, पहला पॉइंट हो गया, अच्छे से याद हो गया। दूसरा पॉइंट, लोअर एल्प्स की प्राप्ति सुपीरियर हाईलैंड से होती है। पीट्स वर्क के बारे में, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, लोहा इस्पात उद्योग, वर्ल्ड स्टील कैपिटल सिटी, ये पीट्स वर्क के बारे में मेरे याद हो गए तीनों के तीनों पॉइंट। फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट इसे रेज कर रही हूँ। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसी में है हमारा सिटीज है, सिटीज है रोचेस्टर, सेकेंड हमारी कौन सी, बुल फॉल्स, केविलान, टोल्डो और एक्रोन, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी सिटीज हो गई है। ये न्यूयॉर्क यानी कि रोचेस्टर, गोल्फो हमारे किस सिटीज में पड़ेगा, ये हमारे न्यूयॉर्क स्टेट में पड़ेगा। यूएसए में स्टेट कराई थी तो न्यूयॉर्क स्टेट में पड़ जाएगा हमारा ये। अब इसके बाद में क्या है, केविलान, टोल्डो और एक्रोन, ये हमारे किस में पड़ेंगे, ओहियो सिटी में पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले किस सिटी के बारे में बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं रोचेस्टर सिटी के बारे में। इसे नोट डाउन, एक रिविजन करा रहे हैं और बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, औद्योगिक प्रदेश चल रहे हैं, औद्योगों का विकास कैसे संभव हो वो चल रहे हैं हमारे। इम्पोर्टेंट बात है रोचेस्टर, रोचेस्टर के बारे में इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज रोचेस्टर के बारे में। रोचेस्टर के बारे में लिख लेते हैं, बोर नहीं होना रोचेस्टर, इंटरेस्ट लेके हम लोग करेंगे तो रोचेस्टर, ठीक है। रोचेस्टर के बारे में लिखेंगे, रोचेस्टर इरी, रोचेस्टर क्या है, हमारा कोडेक्स है, फोटोग्राफी के लिए फेमस है, ठीक है। दो पॉइंट लिखिए, री नहर के पास स्थित है, कोडेक्स है फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। इरी नहर पर स्थित इरी नहर के पास सेकंड पॉइंट क्या हो गया, फोटोग्राफी कोडेक, फोटोग्राफी फोटोग्राफी अब इसका रोचेस्टर, रोचेस्टर इरी नहर के पास स्थित कोडेक शहर फोटोग्राफी के लिए हमारा। फिर इरी लेक को मोहाक नदी से जोड़ने वाली नहर को इरी कैनाल कहते हैं। इसके विकास के कारण ही न्यूयॉर्क सिटी बंदरगाह शहर का महत्व तो अधिक हो गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा कि इरी लेक को मोहाक नदी से जोड़ने वाली नहर को इरी कैनाल कहते हैं। इरी लेक को मोहाक नदी से जोड़ने वाली कैनाल को इरी कैनाल कहते हैं, नहर को इरी कैनाल कहते हैं। इसके विकास के कारण ही न्यूयॉर्क सिटी बंदरगाह शहर का महत्व अधिक हो गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसे आप अच्छे से करिएगा, ठीक है, अच्छे से इसे लिखिएगा। एक और बात है, जो हम लोग एप्टीट्यूड की हम लोग तैयारी करते हैं, उस तैयारी के क्रम में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो अंदर से ऐसा होता है कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है, या फिर कंपटीशन की तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है। तो बस एक चीज, एक पॉइंट है जो हमेशा अपने माइंड में आपको सेट करके रखना है, वो क्या चीज़ है, क्या पॉइंट है। अगर हम एक पत्थर आप ले लीजिएगा और रोज उस पर अपनी उंगली से अगर आप उसे रगड़ेंगे, उसे ऐसे 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 करेंगे, तो कुछ टाइम बाद, महीने, दो महीने, तीन महीने बाद आप ये देखेंगे कि वो वहाँ से घिस गया है। अगर वो पत्थर घिस सकता है तो आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। तो इसीलिए कभी भी अपने मनोबल को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे मत होने दो, तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो ताकि क्वालिफाइड हो जाए, एग्जाम क्वालिफाइड हो जाए, आपके सपने वो पूरे हो जाए। तो बस इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए और इन सबको बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर हो। और जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करें तो आपको सिटी जो है वो इस तरीके से हो कि कहीं भी कोई भी न्यूज़ आए आप तुरंत से कर ले, ये सिटी उस स्टेट में है, उस सिटीज में है, उस कॉन्टिनेंट में है, यही मेरा मोटिव है। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। हम
पर लेग रिवीजन हो गया। अभी तक मैंने आपको रोचेस्टर कराया था, अब बफल्स कराएंगे। क्या कराएंगे? बफल्स। बफल्स के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत जल प्रपात के पास में नियाग्रा कहाँ पे? अब ये पूछोगे भाई, ऑब्वियसली यूएसए कर रहे हैं, न्यू हम लोग नॉर्थ अमेरिका कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में नियाग्रा फॉल्स है, इसमें पूछने वाली क्या बात हो जाएगी, ठीक है। उसके पास में है और यूएसए में आटा मिल का फेमस केंद्र है। दो बातें फटाफट नोट डाउन कर लो। बफल्स के बारे में क्या है, ये नियाग्रा जल प्रपात यानी कि नियाग्रा फॉल्स के पास। सेकंड पॉइंट, यूएसए का आटा मिल केंद्र, ठीक है। दो पॉइंट, यूएसए का क्या कहेंगे, यूएसए का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा आटा मिल केंद्र सेंटर वॉलफॉल्स के बारे में अभी बताया था मैंने, वॉलफॉल्स के बारे में क्या था अभी बताया था, नियाग्रा फॉल के पास स्थित है। सेकंड पॉइंट क्या है, यूएसए का सबसे बड़ा, यूएसए का सबसे बड़ा क्या है, आटा मिल सेंटर है ये बफल्स। कुछ भी नहीं है, दो मिनट में याद हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है, मैंने भी सारे कराए थे, नेक्स्ट क्या निकला, नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, क्लीवलैंड। क्लीवलैंड फटाफट क्लीवलैंड के बारे में क्या पॉइंट्स है बच्चा, क्लीवलैंड के बारे में पॉइंट्स हैं, रेलवे द्वारा कौन से हो गए, एक तो क्या है लोहा एक्सपो ट्रेन के द्वारा यानी कि रेलवे के द्वारा पिट्सबर्ग तक लेके जाया जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, रेडीमेड बस उद्योग। सेकंड पॉइंट है क्या है, क्लीवलैंड। क्लीव यानी कि क्लीन यानी कि फटाफट, क्या रेडीमेड, रेडीमेड बस उद्योग। फिर लोहा, सेकंड पॉइंट क्या है, लोहा आयश, रेल के द्वारा पिट्सबर्ग तक लेकर जाया जाता है। एकदम टिपिकल हिंदी, लोहा आयश को रेलवे के द्वारा पिट्सबर्ग तक लेके जाया जाता है। याद हो गया, साथ के साथ कंप्लीट माइंड में सेट हो गई है, क्लीवलैंड हो गया। अब हम आगे क्या करें, ये देखो एक बार फिर से, क्लीवलैंड लोहा आयश को रेल के द्वारा क्लीवलैंड से पिट्सबर्ग तक लेके जाया जाता है, ठीक है। एक्रोन आ गया पिट्सबर्ग में, एक्रोन में क्या है, कृत्रिम रबर एंड टायर, क्या है कृत्रिम रबर एंड टायर, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, कृत्रिम रबर एंड टायर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर क्या है हमारा, एक्रॉन। इसके बारे में और कुछ जानना नहीं है, बस इतना ही है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, पिट्सबर्ग लेक इरिगेशन नोट डाउन कर लिया होगा ताकि साथ के साथ आपको याद हो जाए। अब हम कौन सा रीजन करेंगे, ग्रेट लेक रीजन, कौन सा रीजन करेंगे हम लोग, ग्रेट लेक।